रामगंज थाने में ऑनलाइन ठगी का मुकदमा दर्ज, पुलिस जुटी जांच। खुशियां मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। अजमेर के रामगंज थाने में 2 लाख की ऑनलाइन ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जॉन्सगंज निवासी सुरेश कुमार ने थाने पर शिकायत दी है कि उसके पास अज्ञात बदमाशों का फोन आया और उसका पासपोर्ट कैंसिल करने की बात कहते हुए कुछ फॉर्मेलिटी पूरे करने की बात कही। इसी बीच उसने अकाउंट की डिटेल लेते हुए 8 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 2 लाख निकाल लिए। इस संबंध में पीड़ित द्वारा रामगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहाँ पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जी, क्या मुकदमा दर्ज हुआ? कल दिनांक 5/12/2020 को श्री सुरेश कुमार उत्तम पुत्र स्वर्गीय श्री ईश्वर जी जाति सिंधी निवासी जोनसगंज अजमेर उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपके पासपोर्ट बदल दिए गए हैं, जिस पर ये डीगी बाजार SBI बैंक जाके मालूमात की तो इसके खाते से 8 बार ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें 2 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं ऑनलाइन। कौन सी बैंक है? ये डिगी बाज़ार में है बैंक, SBI बैंक है वहाँ से। तो इसने उपस्थित होकर थाने पर एक रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। कहाँ से लेने वाला? ये जोनसगंज अजमेर का रहने वाला है।